फ्रेंड्स, सो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं कुनूर। तो ऊटी से कुनूर का डिस्टेंस है 53 मिनट्स का, हमारी लोकेशन से, हमारे होटल से। मैक्सिमम आपको लग सकता है हाफ आवर। तो वहाँ पे जाके घूमने तीन चार चीज़ें डिसाइड करते हैं। ऊटी में आपको टी गार्डन हर जगह दिख जाएंगे। तो ये है वेलिंगटन कैंट एरिया। तो ये पूरा आर्मी एरिया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आपको गोल्फ कोर्स, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पे बोट हाउस है, टी गार्डन है, आई थिंक 30 रुपीज़ की टिकट है। तो आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे बोटिंग हाउस भी है और चिल्ड्रंस पार्क भी है। तो और राइड्स हों और हम उसको एंजॉय ना करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने भी राइड्स एंजॉय करी। सो दैट्स हाउ आई हैव टू मैनेज विदाउट माई परफेक्ट बैलेंस। सिम्स पार्क के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा रास्ता बना हुआ था गुफा टाइप से, और ये बेहद खूबसूरत लग रहा था। सिम्स पार्क के लिए आपको यहाँ बहुत चलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वैसे पूरा नहीं घूमा, बहुत बहुत बड़ा है और मैं थक चुके हैं अभी से। तो बस अब हम एग्जिट की तरफ आ रहे हैं और टाटा बाय बाय। सो दिस इज कॉल्ड द्राक्ष ट्री। तो यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ सीड टाइप गिरते हैं जो कि रुद्राक्ष की तरह दिखते हैं। एंड दिस इज एलिफेंट लेग ट्री। अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। ये वादियाँ, ये नज़ारे, ये रास्ते आप बस फील कर सकते हैं। इस पॉइंट पे गाड़ी रोकी और यहाँ से नज़ारा, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड, इतना खूबसूरत लग रहा था। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं जहाँ तक भी आपको नजर जाए, इट्स वेरी फॉगी एंड क्लाउडी। हम लोग किसी रैंडम टी गार्डन के आगे हम लोगों ने गाड़ी लगाई।
एंड द व्यू इज मेस्मराइजिंग. कुछ रास्तों पे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी हॉरर मूवी में हैं. रास्तों में इतना धुआं धुआं होता है, इतना फॉग होता है और काफ़ी दूर तक तो कुछ दिखाई भी नहीं देता. जहाँ तक भी आप लोगों की नज़र जा रही है सिर्फ आपको फॉग दिखेगा इन पहाड़ों में. तो ऊटी और कुन्नूर अपने मसालों के लिए बहुत फेमस हैं. तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल मसाले मिलेंगे. तो आप इस दुकान से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं. मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. अगर आते हैं तो मसाले ज़रूर खरीदें यहाँ से. जैसे ही हम लोग व्यू पॉइंट पर पहुँचे हमने काफ़ी बंदर देखे इधर उधर. और यहाँ से पॉइंट बहुत 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 खूबसूरत था. सब लोग यहाँ खड़े होकर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करवा रहे थे. तो ये वीडियो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाली हुई है. तो प्लीज़ चेक माय चैनल, सब्सक्राइब इट और आप वो सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं. झरने की के हम लोगों को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था. तो इस वाटरफॉल पॉइंट का मैंने शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया है. इफ़ यू वांट मी टू अपलोड दैट शॉर्ट तो प्लीज़ कमेंट में लिखे यस और नो. तो वैसे तो पहाड़ों से कभी आपका मन भरेगा ही नहीं, लेकिन कुछ रास्ते आपको ऐसे दिखेंगे जो ऐसा लगता है कि खूबसूरत से भी और ज़्यादा खूबसूरत हैं. अब हम लोग जा रहे हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, विच इज़ वेलिंगटन लेक. तो आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा कि कितना इंग्लिश नेम है. हम पहुंच चुके हैं वेलिंगटन लेक. तो यहाँ जाते ही आपको पहले एक टिकट लेनी पड़ती है अंदर एंट्री के लिए. और उसके बाद जो आप व्यू देखेंगे वो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा. लगेगा नहीं कि आप जैसे इंडिया में हैं. तो ये इतना ग्रीन था आस पास और यहाँ पे कुछ झूले भी थे और यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं. यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं कि आपको लगेगा कि आप हर जगह फ़ोटोज़ क्लिक करा लें, हर जगह वीडियो बनवा लें. तो कुछ वीडियो शूट हमने भी किया था और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक हमने भी करे थे. और यहाँ लेक के साइड में आपको इतनी सारी डक्स दिखेंगी. इतना सुंदर लग रहा था ये. बहुत ही क्यूट नज़ारा था, बहुत ही क्यूट व्यू.
सो अब हम जा रहे हैं इस आज के दिन का फाइनल और इस पूरी जर्नी का फाइनल व्यू पॉइंट देखने। अब हम लोग जा रहे हैं एमरल्ड लेक देखने, तो सुना है काफ़ी सुंदर है। तो हमारी लेक पहुंचने तक की जो जर्नी थी, उस रास्ते में हमने इतने सुंदर व्यूज़ देखे, तो शायद मैंने कभी इतने सुंदर व्यू अपनी पूरी ट्रैवल जर्नी में कभी नहीं देखे हैं। इट्स लाइक अ वेरी स्विट्ज़रलैंड वाइब। कभी भी अगर आप लोग कन्नूर आते हैं तो एमरल्ड लेक देखने ज़रूर जाएं। दूर दूर तक आपको बादल दिखते हैं और दूर दूर तक आपको सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखेगा। बीच में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज और ये सब भी थे। तो जब तक हम लोग पहुँचे थे तब तक लेक का गेट बंद हो चुका था, तो हम लेक तो नहीं देख पाए, बट हमने ये खूबसूरत नज़ारा देखा। सो दैट्स इट फ्रॉम द ऊटी व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर and stay tuned.